अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा फर्स्ट टॉपिक है 14.1 कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर के नेम के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, करंट, ठीक है, करंट क्या होता है बेसिकली। अभी जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, उससे हमें बहुत आइडिया हो जाएगा कि करंट किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो आप को आम तौर पर पता है कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ठीक है, सो करंट के फ्लो से क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ही है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि करंट जो है वो फ्लो किस तरह से करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट किस वजह से करता है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि हम करंट की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे जितने भी घर में जो भी मशीनरी यूज़ होती है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती है। ठीक है, उसको करंट चाहिए होता है, जो कि आप पीछे से स्विच ऑन करते हैं तो उसको करंट मिलता है और वो चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि करंट क्यों फ्लो करता है। ठीक है, आपको करंट है क्या चीज़, किस चीज़ के फ्लो का नाम या किस चीज़ का फ्लो जो है हमें करंट दे रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा इस चैप्टर इस टॉपिक का सब टॉपिक वो ये है कि हमारा करंट फ्लो किस तरह से कर रहे। ठीक है, किस तरह कर रहे और किस वजह से कर रहे। ठीक है, सेकेंडली हम पढ़ेंगे जो करंट की डेफिनेशन, तो इसी में हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि करंट के यूनिट्स क्या होते हैं। देन थर्डली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं। ठीक है, सो ये हम अपने इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं करंट की तरफ। ठीक है, जस्ट एक बल्कि फ्लो ऑफ करंट को भी अभी रहने दें, हम सिर्फ एक करंट की बात करते हैं, करंट। ठीक है, करंट क्या है कि अगर हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्विच को हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारा सर्किट जो है वो एक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उस स्विच के पीछे जो पूरा का पूरा सर्किट होता है वो कंप्लीट होता है, और उस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, करंट मिलना शुरू हो जाता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सर्किट कंप्लीट हो गया जब हमने स्विच को ऑन किया। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या चीज़ थी जिसने फ्लो करना शुरू कर दिया और आगे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, आगे हमें कोई, अगर हम बल्ब को रोशन कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है, हम फैन ऑन करना चाह रहे हैं वो भी हो रही है, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, ठीक है, कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स की, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज अगर हम जस्ट मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल में क्या है, इस तरह से अगर कोई भी मेटल रॉड है तो इसके ये क्या है, हमारे पास एटम्स हैं। ठीक है, एटम्स के अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ ये हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने ऑर्बिट के अंदर बाउंड रखता है। ठीक है, तो इस वजह से एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, इस कंडीशन में जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, यानी 25 डिग्री टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, अगर आम मेटल रॉड हमारे कमरे में पड़ी हुई है तो वो कभी भी करंट को फ्लो नहीं करवा सकती। ठीक है, उसके अंदर से अगर आप उसको किसी चीज़ के साथ अटैच करेंगे तो वो उसके अंदर से आपको करंट फील नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह आमतौर पे कहा जाता है कि जब हम लोग कोई भी मशीन को यूज़ कर रहे हो तो उसके पास जाने से मना किया जाता है, यानी उसको डायरेक्ट टच करने से, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि कहीं पे डैमेज हो और आपको करंट लग जाए, इसका मतलब है उस पूरी मशीन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसी मशीन को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करें, पीछे से स्विच ऑन नहीं किया हुआ, तो क्या होगा, वो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, इट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर से फ्लो की है। ठीक है, तो हम उसी टाइम की बात करें जब अभी हमने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा, हम इस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं करें, बल्कि एक सिंपल सी रॉड को डिस्कस करें जिसके अंदर हमारे पास हम एटम्स को देख रहे हैं, और एटम्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड हुए हुए हैं अपने ऑर्बिट के अंदर, अपने एटम के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है,
अब अगर हम इसको अप्लाई कर दें, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, या इसका हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, हम टेम्परेचर से बात कर लेते हैं इसकी। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो अब टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे जो हमारे, जिस तरह ये तो इनर ऑर्बिट में है, अगर हमारे आउटर ऑर्बिट में जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी गेन करता जाएगा। टेम्परेचर उसका जैसे ही इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, वो इस काबिल हो जाएगा कि इस फोर्स से अपने आप को छुड़वा सके और बाहर मूव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, जबकि इस पूरे एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें या किसी टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दें, सॉरी ये तो स्विच का है, बैटरी की हम बात कर लें, तो क्या होगा, अब इन इलेक्ट्रॉन को हम पुश करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे थे तो अब वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए, इस तरह से इन्होंने भी आगे मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरह से ये सारे मूव करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है कि करंट अब फ्लो करना शुरू कर गया है, ठीक है। तो क्या चीज़ हुई कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, जब हम उन्हें किसी फील्ड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दें तो वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और उनकी इस मूवमेंट को हम करंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली कॉल्ड द करंट। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो करंट है वो किस चीज़ का नाम है, कि अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, कोई भी हम एरिया ले सकते हैं, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड किसके रिस्पेक्ट से, पर यूनिट टाइम, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द करंट, इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, और नॉर्मल केसेस में अगर हम लोग जिस तरह मेटल की हमने बात की है, तो उससे पहले हमें क्या बताना पड़ा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी हमारा करंट फ्लो कर पाएगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट की बात करें। अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे थे अभी तक, अब क्योंकि ये होता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट फ्लो करते हैं, या पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को भी हम करंट कह सकते हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को भी हम करंट कहते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास जो हमारे प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से भी, यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी जो करंट है वो फ्लो होता है। सो जो वो हमारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है हम उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो ये क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि पहली बात क्या है, करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमारे जो चार्जेस हैं वो मूव करना शुरू कर दें पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, टाइम टू टाइम वो मूव करते जा रहे हैं, फ्लो करते जा रहे हैं,
तो उनका नाम क्या, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उस फ्लो ऑफ चार्जेस को हम नाम देते हैं करंट का, ठीक है। अब फ्लो ऑफ चार्जेस की बात की गई है, इट मींस उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो उस करंट का नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम हो जाएगा कन्वेंशनल करंट, ठीक है। मोस्टली केसेस में हम लोग कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको थोड़ा कम ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी सर्किट्स देखेंगे आप मोस्टली यही देखेंगे कि हम पॉजिटिव से डायरेक्शन बनाना शुरू करते हैं, इट मीन्स हम पॉजिटिव चार्जेस को फ्लो करवा रहे होते हैं। और जहाँ पे हम पॉजिटिव चार्जेस को फ्लो करवा के करंट को शो करवाते हैं वहाँ पे हमेशा हम कन्वेंशनल करंट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनमें पॉजिटिव चार्जेस के वजह से होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें दोनों चार्जेस एट ए टाइम फ्लो करते हैं, एंड उनके फ्लो से क्या होता है, हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। इससे पता चला कि हमारा फ्लो ऑफ करंट क्यों हो रहा है। पहली बात, चार्जेस के मूव करने से चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, या दोनों चार्जेस एट ए टाइम भी फ्लो कर सकते हैं, और सॉरी उनके फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो अब ये तो हमने बात कर ली कि हम कोई भी कंडक्टर्स ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये होता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी आते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम उसको कोई फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी फ्लो करेगा, उसमें करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी फ्लो करेगा। इट मींस जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को भी डिस्कस कर लेते हैं, उस केस में भी हम एक चीज़ को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम सेमीकंडक्टर को कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये एग्जांपल इसकी हो सकती है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें उसमें भी हमें पता है कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती है। हमारे जितने भी घरों के मशीन्स हैं वो सारी इसी तरह का वर्क कर रही हैं कि एक टर्मिनल से हम उनको करंट देते हैं और दूसरे टर्मिनल तक वो फ्लो करता है, ठीक है। लाइक अगर हम बैटरी की बात करें, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, और अगर हमने कोई भी बल्ब अगर लेट सपोज यहाँ पे अटैच किया हुआ, ये बल्ब का तो नहीं साइन, इस तरह से हमने कोई बल्ब अटैच किया हुआ है तो हम मोस्टली क्या शो करते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे जा रहा है। इट मींस पॉजिटिव की वजह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये सर्किट क्या है, इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करे, वो है कन्वेंशनल करंट। अगर यही मैं बना देती इस तरह से, यहां पे भी आएगा सॉरी पॉजिटिव कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो कौन सा करंट होता, वो इलेक्ट्रिक करंट होता, ठीक है। अब ये तो हमारे आम रूटीन में हमें नजर आ रहा होता है कि करंट या इस साइड से फ्लो करेगा या उस साइड से, लेकिन जो एग्जांपल है कि अब भी हमने जो बात की कि दोनों चार्जेस के फ्लो की वजह से भी करंट फ्लो कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमें नजर आते हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि उसमें दोनों तरह के चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और दोनों अगर मूव करें तो दोनों की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि करंट क्या होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द करंट। अब मूव करते हैं उसके यूनिट्स की तरफ एंड उसके फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। सो करंट की डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि चार्जेस, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, चार्जेस फ्लो करें थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो या इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जब फ्लो कर रहे हैं किसी भी टाइम सेकंड के अंदर, तो इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, इसको हम कहते हैं करंट, ठीक है। चार्जेस के फ्लो करने का नाम क्या कहलाता है, किसी भी अगर वो टाइम टी में फ्लो कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इज फॉर चार्जेस एंड टी इज फॉर टाइम, और करंट के लिए हम आई का सिंबल यूज करते हैं। सो अब इसके अगर हम यूनिट्स देखें, सो करंट के यूनिट्स क्या होंगे,
आई एज इट इज, अगर हम सॉरी यूनिट्स यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, चार्ज को हम किस में लेते हैं, कूलम्स में, ठीक है, ओवर टाइम यानी सेकंड्स में, ठीक है, जिसको हम कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं या इसको हम एम्पेयर्स लिखते हैं, ठीक है. सो करंट का यूनिट एम्पेयर्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हर जगह एम्पेयर्स को कहा जाता है. और एम्पेयर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली करंट पे तमाम अपनी जो थ्योरीज हैं वो पेश की थी और बहुत रिसर्च की थी, तो उन्हीं के नाम पे फर्दर इस करंट का नाम क्या रख दिया गया, सॉरी इसके यूनिट्स का नाम एम्पेयर ही रख दिया गया, ठीक है. सो एम्पेयर इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकेंड. और ये कहाँ से आया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, सॉरी करंट सिंपली, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल की बात नहीं कर रहे, हमारा जो करंट है वो किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट टाइम के, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यूनिट्स भी आ गए. अब एम्पेयर का जो है, एम्पेयर एक बड़ा यूनिट है, अगर हम इसको स्मॉलर यूनिट में देखना चाहें तो हमारे पास माइक्रो भी आ सकते हैं, ठीक है, नैनो भी आ सकते हैं, इसी तरह से मिली एम्पेयर्स भी आ सकते हैं, तो वो हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स कहलाएंगे. जबकि हमारे पास बेस यूनिट करंट का क्या है, दैट इज एम्पेयर. अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड स्टेप पे, जो हमारे पास है इसका सोर्स. सोर्स में जो हमारे पास बेस्ट सोर्स कहलाते हैं, या हमारे पास जो डेली लाइफ में मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स है, वो है हमारी बैटरी. बैटरी के थ्रू आप क्या करवाते हैं, करंट को फ्लो करवाते हैं. आपने देखा होगा कि हर चीज़ के लिए बैटरी लगी होती है, इवन अगर आप टॉयस को भी देख लें तो उनको चलाने के लिए भी बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है. तो वो बैटरी बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही होती है, उस चीज़ को करंट प्रोवाइड कर रही होती हैं. बहुत सारे टॉयस ऐसे हैं, तो हम और हमारी जितने भी हम अपनी लेबॉरेटरीज में जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, हम जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सब में बैटरी ही जो है वो यूज़ होती है फॉर प्रोवाइडिंग द करंट. अब बैटरी में क्या होता है, बैटरी में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ होता है. और बैटरीज में आपने देखा होगा कि अगर हम UPS की भी बैटरी को ओपन करके देखें, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होती है. इस तरह से बैटरी बनी होती है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं एंड यहाँ हमारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हमने उनको अटैच किया होता है. बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ऑल द टाइम केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है. जब हमने कनेक्ट किया हुआ है तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से हमारे पास पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है. सेपरेट होके ये डिफरेंट डिफरेंट अपने साइड्स पे चले जाते हैं, ठीक है. लेट सपोज अगर यहाँ पे सॉल्यूशन है एंड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव. अब केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है. सो जब ये सेपरेट आउट होंगे तो ये इस तरह इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे. लेट सपोज यहाँ पॉजिटिव इकट्ठे हो गए एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए इस तरह से, ठीक है. अब यहाँ पे अब ये सेपरेट आउट होना शुरू हो चुके हैं, ठीक, और ये ऑल द टाइम होते रहते हैं क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें हर टाइम केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हमारे पास चार्जेस सेपरेट होते जा रहे हैं और अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस इज गोइंग टू बी कलेक्टेड हेयर, ठीक है. बहुत ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो कलेक्ट होते जा रहे हैं. अब अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, इन टर्मिनल्स को ही आपस में अटैच कर दें या कोई और यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक बल्ब ही लगा के इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा. अब यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे, ठीक, अटैच करने से क्या होगा, यहाँ से चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे. सो यहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू हो जाएगा और ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, ठीक है. तो क्या हुआ कि हमें बैटरी ने करंट प्रोवाइड कर दिया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था उसमें हर टाइम केमिकल रिएक्शंस होते रहे, उनकी वजह से हमारे पास चार्जेस सेपरेट आउट होते रहे और जैसे ही हमने आउटर टर्मिनल्स को कनेक्ट किया आपस में तो हमारे पास एक पाथ बन गया और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं उन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया, और उनके फ्लो की वजह से क्या हुआ, ये बल्ब जो है या हमारा कोई भी चीज़ सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होते हैं कि हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं और हमारी जितनी भी मशीन्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में आ जाती हैं. सो हमारा जो मेजर सोर्स है और बहुत कॉमनली यूज होने वाला सोर्स है वो है करंट के लिए बैटरीज. ठीक है, सो ये था हमारा आर्टिकल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. पहले हमने डिस्कस किया कि करंट कहते ही किसको है. ठीक है, तो जितना भी फ्लो ऑफ चार्जेस है पर यूनिट टाइम उसको हम करंट का नाम देते हैं. ठीक है, और उसके लिए हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज़ I इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, और हमारे जो करंट के यूनिट्स हैं दैट इज़ एम्पेयर, एंड इसका मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स है बैटरी. ठीक है, जो आम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट.